कर दिया बेटा मेरे पास, तो अभी तो कथा ही कह रहे हैं कितना टाइम हुआ है। कोई बात ना, तुम कथा कही रहे ना के तो बजियो। हाँ तो भाई तो कही रहे ना। अच्छा कल का भी दिन पूरा कर रहे माता बहने बैठी रहोगी ना। अब हमसे भैया जी कह रहे कल हम आ नहीं पाए, और तभी भैया जी कह रहे तुमको कल का भी टाइम आज पूरा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं भैया, पूरा करेंगे जब कथा बांधेंगे। तो बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर में श्रोताओं, जब डंडा को उठाया और अपनी मैया को मन लगाने लगा है, जब अपनी मैया को मन लगाने लगा है, कैसे सुनो। अब तू डंडा लेकर ना पर लगाई किस लिए। जवाब दिया मुझे दौलत दी, लेकिन मैया कहने लगी बेटा हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं, हम तुझे कहां से देंगे। लेकिन वो दुष्ट बेटा नहीं माना और मैया को मार लगाई है। इधर में डंडों से जब मैया को मार लगाई मेरे भगवान श्रोताओं, धुंधकारी में शौक के चक्कर में पड़कर मैया की कदर भूल गया। जो मैया की कदर भूल गए तो मैया कहने लगी बेटा तू ये क्या कर रहा है, एक मैया की ममता को इस तरीके से भुलाया जाता है। मैं तेरी माँ हूँ और तू अपनी मैया को डंडों से मार लगा रहा है। जवाब दिया है तुम माँ, अरे तुमने तो पिता की कही नहीं मानी है। तुमने पिता के साथ जो किया वो हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं, बात तो बराबर है ना, अदला का बदला दे रहे हैं। इधर में धुंधली रोने लगी है, लेकिन धुंधकारी जो था वेश्याओं के संगत में पड़कर के वेश्याओं से प्रेम करके मैया की कदर भूल गया। कैसे भूलो मैया की खबरियां पढ़िया जाल में, भूलो मैया की खबरियां पढ़िया जाल में, भूलो मैया की खबरियां पढ़िया जाल में। Yeah.
समझा रही है, बेटा जिस वेश्याओं के संगत में तुम पड़ी हो वेश्याएं अपनी नहीं है। समझा रही है मैया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। धुंधकारी इतना प्रेम करता है उस वेश्याओं से, लेकिन मैया के बात को ध्यान नहीं दिया। मैया रो रही है, मैया को डंडे से मार लगा रहा है, लेकिन मैया समझा रही है, बेटा जिन वेश्याओं की तुम संगत करते हो तुम्हारे